नमस्कार, कमोडिटी वीकली राउंडअप में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पूरे कमोडिटी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव रहा। सबसे पहले अगर बुलियन की बात करें तो बुलियन में हमने देखा कि यूएस से इन्फ्लेशन 30 साल के हाई पे पहुंचने की वजह से सोने चांदी और एमसी बुलडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। बट कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स की तेजी, बॉन्ड यील्ड की तेजी और साथ में 2022 के अंदर जल्द इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, इसके चलते हमने सोने चांदी और एमसी बुलडेक्स में फिर से गिरावट आते हुए देखी। पूरे एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एमसी बुलडेक्स 1.5% की गिरावट के साथ, सोना करीबन 1% की गिरावट के साथ और चांदी में कहीं ना कहीं हमने 2.25% की गिरावट आते हुए देखी। जबकि हायर साइड में हमने देखा M6 बुलडेक 14,900 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड में भी हमने 49,610 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा, जबकि चांदी 67,500 के करीब जाते हुए दिखाई दी। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि कमोडिटी मार्केट के अंदर बुलियन काफी वॉलिटिलिटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना के नंबर ऑफ केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट यूरोप में हम वापस एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, चाइना में लॉकडाउन है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा एज ए सेफ हेवन। जबकि डॉलर इंडेक्स में तेजी, बॉन्ड यील्ड में तेजी और साथ में इंटरेस्ट रेट जल्द बढ़ने की उम्मीद की वजह से कहीं ना कहीं अपसाइड प्राइजेस को कैप भी मिल रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनल में जो बड़ी रैली पिछले अगर हम 15-20 दिन की बात करें तो 100 से 110 डॉलर की तेजी हमने देखी थी। टेक्निकली मार्केट में करेक्शन दिखाई दे रहा था, जो लग रहा था कि 1830-35 का एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो आई थिंक अगले हफ्ते के लिए भी मार्केट में इनिशियल अगर गिरावट मिलती है तो उस गिरावट पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। 1830 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, 1870 का टारगेट रहना चाहिए गोल्ड में। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो 24-20 से 25-40 का रेंज रहने की उम्मीद है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में हम गिरावट देख रहे हैं, जिसके चलते सोने और चांदी को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सोने की अगर बात करें तो 48,500 से 600 का रेंज काफी अच्छा है, लेके चलिए। बट ध्यान रखिए 49,300 का लेवल तोड़ने पे ही हम 49,600 से 800 का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न के फॉर्म में। अगर प्राइसेस के अंदर थोड़ा भी पुलबैक 65,000 से 66,000 के बीच में भी मिले तो लेके चलिए, ऊपर में 68,000 का इमीडिएट टारगेट दिसंबर तक दिखाई देता है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्रूड के अंदर करीबन 5% की गिरावट, जबकि नेचुरल गैस में 4% की तेजी आते हुए देखी। ओपेक नेशंस कंटिन्यू प्रोडक्शन स्लो एंड स्टेडीली बढ़ाएंगे, जबकि यूएस से ऐसी अपडेट आ रही है कि हायर एनर्जी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है और स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कुछ आउटपुट बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से प्राइसेस में एकाएक फॉल आया है। साथ में यूरोप में जो हमने लॉकडाउन अनाउंस होते हुए देखा है, जिसका एक असर भी नेगेटिव क्रूड पे पड़ता हुआ दिखाई दिया है। टेक्निकली अगर देखें तो $75 WTI और ब्रेंट $77 तक का लेवल दिखा सकता है। तो अगले हफ्ते में और दबाव बन सकता है, थोड़ा भी पुलबैक अगर मिलता है 58-50 के करीब तो बेच के चलिए 5,500 का लेवल M6 पे क्रूड ऑयल दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ब्रॉडर रेंज में मार्केट मूव करेगा, जो 350 से 400 का रेंज रहेगा। आने वाले टाइम में ठंडी बढ़ने की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, बट अभी भी पाइपलाइंस को लेकर कहीं ना कहीं रशिया और जर्मनी के बीच में ठहराव है, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। तो रेंज 350 से 400 का रहेगा। वहीं पूरे बेस मेटल के अंदर हमने काफी बड़ी गिरावट आते हुए देखी, जिस दिन से कोल के प्राइसेस में गिरावट है, सप्लाई थोड़ी बहुत सुधरते हुए दिखाई दे रही है। पर ध्यान रखिए चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स होने हैं, विंटर ओलंपिक्स होने, जिसके चलते प्रोडक्शन कटलमेंट उम्मीद है, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा है कि ठंडी के टाइम पे पॉल्यूशन क्रिएशन ज्यादा होता है और स्मेल्टर्स को पहले भी आगाह किया गया है कि अपने आउटपुट्स को कम रखिए, जिसके चलते प्राइसेस को लोअर साइड पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो निकल और एल्यूमिनियम, ये दो कमोडिटी ज्यादा अच्छी तेज लगती है। कॉपर की बात करें तो प्राइसेस ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 720 से 756 का रेंज रहेगा कॉपर का। वहीं जिंक की अगर बात करें तो 262 से लेकर 272 का रेंज रहना चाहिए। निकल ने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है 1500 के ऊपर, जब तक प्राइसेस 1500 के ऊपर होल्ड है हमें 1560 से 1580 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। वहीं एल्यूमिनियम के अंदर भी सप्लाई शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पावर रेशनलाइजेशन के चलते पूरे बेस मेटल को आने वाले दिनों में और सपोर्ट मिलेगा। तो 208-209 के करीब अगर मिले तो एल्यूमिनियम लेके चलिए, 218 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं लेड में 185 के करीब मिलता है तो वहां पे हम बाइंग करके चल सकते हैं।